अरे आ गए आप। तो अभी मैं ना पबजी खेल रहा था या फिर मतलब जो भी गेम खेलते, तो आपका मतलब मुझे एक सवाल आया मन में कि गेमिंग मतलब किस पे अच्छी होती है, गेमिंग पीसी पे या फिर गेमिंग मोबाइल पे। तो गेमिंग पीसी की बात करता हूँ या फिर एंटरटेनमेंट की बात करता हूँ, तो गेमिंग एक सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है। और जब भी एंटरटेनमेंट की बात होती है या फिर गेमिंग की बात होती है, तो लोग बजट की सोचते नहीं है, वो कितने हद तक रहेगा ऐसा कुछ सोचते नहीं, ले लेते हैं। कंप्यूटर की बात करूँ या फिर मोबाइल की, तो ROG का मोबाइल आपने देखा होगा, वो बहुत ही महंगा है, फिर भी लोग यूज़ करते हैं गेमिंग के लिए। और आगे बात करूँगा कि आप मतलब क्या सोचते हो कि गेमिंग एक कंप्यूटर या फिर एक डेस्कटॉप कितने प्राइस में हो सकता है। 1 लाख नहीं बहुत छोटा है, 2 लाख नहीं बहुत छोटा है, 5 लाख नहीं बहुत छोटा है, 30 लाख या फिर एक मर्सिडीज बेंज की प्राइस के उतना। तो इसी के बारे में बात करूँगा। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं। वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ज्ञान फॉर डे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो मतलब अगर मैं बात करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं बजट पीसी के बारे में या फिर एक गेमिंग कंप्यूटर के बारे में, तो 30 लाख भी एक सबसे मतलब कम कीमत हो सकती है। क्योंकि बात करता हूँ तो आजकल जो मर्सिडीज बेंज की प्राइस है उतने का एक गेमिंग कंप्यूटर आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक UK बेस्ड कंपनी है, उसका नाम है, जैसे कि अगर उस कंपनी का ओवरक्लॉकर्स कंपनी है, ये UK बेस्ड कंपनी है। तो उन्होंने एक PC डेवलप किया है, उसका नाम है Orion X2। तो उसकी प्राइस है अप्रोक्स $45,000। तो एज पर इंडियन करेंसी की बात करें तो 31 लाख रुपीज़ का एक गेमिंग कंप्यूटर है। क्योंकि इतना मतलब ज़्यादा हाई प्राइस क्यों है, तो उसके अंदर दो ऐसे मतलब दो सिस्टम फिट किए गए एक ही कंप्यूटर में, तो उसकी वजह से इतना हाई प्राइस उसका आ रहा है। तो उसकी मतलब क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है कि क्या मतलब कितना आपको स्पेस मिल रहा है या फिर कितना ग्राफिक्स मिल रहा है, कितना रैम मिल रहा है, वो सारी बात मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो आखिर तक देखिए तो आपके सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि क्यों होते हैं गेमिंग कंप्यूटर इतने महंगे। तो अभी थोड़ा मतलब पीछे जाते हैं, जैसे कि 90s में या फिर 85 के यहाँ पे जाते हैं, तभी गेमिंग का इतना क्रेज़ नहीं था, क्योंकि तभी इतने अच्छे खासे गेम्स नहीं आते। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ग्राफिक्स के मुताबिक इतने अच्छे खासे गेम नहीं आए थे। पर अभी जो है गेम मतलब लो एंड भी गेम है और अच्छे खासे गेम है, जैसे कि लोगों को बिजी रखते हैं अपने गेमिंग्स के अंदर, आपको कंटाला नहीं आता, जैसे कि आप प्ले करते हैं तो आपको और मज़ा आ जाता है। तो लोग मतलब जैसे कि बात करूँगा कि अगर आप मोबाइल के बजाय मतलब गेमिंग पीसी क्यों सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह 3 हो सकती है मेरे मुताबिक। तो एक तो आपको कंट्रोलर काफ़ी अच्छे मिलते हैं, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, और आपको जो सारे फीचर्स है जैसे कि ग्राफिक्स की बात करूँ या फिर जो भी उसके अंदर फीचर्स है, तो उसका आपको पूरा एक्सपीरियंस करने मिलता है। तो ये खास 3 फीचर्स की वजह लोग मतलब है मोबाइल से लेके PC पे स्विच करते हैं। तो बात करूंगा गेमिंग पीसी इतने महंगे हो सकते हैं क्या कि एज अ मर्सिडीज बेंज की प्राइस की इतने, तो जी हाँ, जैसे कि Orion X2 की प्राइस देख के मुझे लगता है तो उतने महंगे हो सकते हैं। तो मेन जो रीज़न है उसके पीछे वो है हार्डवेयर कॉस्ट, उसका ग्राफिक या फिर रैम की या फिर हार्ड डिस्क की जो भी कॉस्ट है, उसकी वजह से इतना पीसी महंगा हो सकता है। तो चलिए उसके क्या क्या फीचर्स है या फिर कितना उसके अंदर रैम दिया गया है, कितना उसके अंदर हार्ड डिस्क दी गई है, कितना उसके अंदर ग्राफिक कार्ड दिया है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो है दो मतलब सिस्टम है। तो पहले सिस्टम में कितना डेटा मतलब कितना क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, दूसरे सिस्टम में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारा आपको इसमें बताने वाला हो। तो ये मतलब एक क्रेजी कंप्यूटर होने वाला है, क्योंकि अगर आप ये बाय करते तो आप गेमिंग के मतलब तगड़े तगड़े एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। तो जो फर्स्ट सिस्टम है उसके मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे निकाल के रखे, तो उसकी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है प्रोसेसर की बात करेंगे, तो इसके अंदर ASUS का ROG स्टिक का प्रोसेसर है, जो कि है Z391 का। तो उसके अंदर ये गेमिंग मदरबोर्ड है एक्चुअली, तो उसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है कोर i7 का प्रोसेसर है। तो i7 की बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको 9700 का जो है के प्रोसेसर, इसका प्रोसेसर है विथ 16 GB रैम मिलता है, जिससे कि जो रैम है वो 4000 mAh का है, DDR4 का रैम है। तो इसमें आपको इंस्टॉल किया गया ऑटोमेटिकली मिलता है। ग्राफिक्स की बात करता हूँ तो ग्राफिक्स के मामले में ये काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, क्योंकि इसके अंदर आपको दिया गया है NVIDIA का टाइटन RTX का ग्राफिक कार्ड है, जो कि कमाल का है। और स्टोरेज की बात करता हूँ तो इसके अंदर 2 हार्ड डिस्क दी गई है। तो सबसे पहले बात करता हूँ तो 27 जो आपको मतलब 2 TB दिया गया है वो है सैमसंग का दिया गया है, वो की है SSD हार्ड डिस्क है, मतलब जो कि काफ़ी तगड़ी चलने वाली है। और अगर बात करता हूँ
तो सीगेट का आपको दिया है 14 TB, मतलब 14 TB सीगेट की हार्ड डिस्क दी गई, वो भी है प्रो स्टोरेज। तो ये एक जो है प्रोसेसर था या फिर एक सिस्टम था इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है विथ तगड़ा खासा अच्छा हार्ड डिस्क है, तगड़ी खासी अच्छी रैम दिए गए है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे। तो ये मतलब एक पार्ट था इसका। और अभी दूसरे की बात करते हैं कि दूसरे के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए, क्या क्या स्टोरेज, क्या क्या रैम दिया गया है। दूसरा जो सिस्टम दिया गया है इसके अंदर एनवीडिया के दो ग्राफिक कार्ड है, तो टाइटन RTX के दो ग्राफिक कार्ड है। तो इसके अंदर बात करता हूँ, इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है ROG रैमपेज प्रोसेसर है, 6 Extreme का जो है ओमेगा मदरबोर्ड है, इसके अंदर इंटेल i-Core 9 फिक्स किया गया है प्रोसेसर का, अप टू 4.6 GHz जो है ओवरक्लॉक स्पीड दी गई है उसके अंदर। आपको इसके अंदर मिलते हैं 128 GB का जो है DDR4 ROM मिलता है, 2 TB की आपको इसके अंदर सैमसंग की, और 14 TB जो है स्टोरेज SSD मिलती है सीगेट की। तो इसके मतलब ये काफ़ी तगड़ा जो है सिस्टम दिया गया है उसके अंदर, मतलब 128 GB का आपको ROM दिया गया, मतलब RAM की बात करूंगा उसके अंदर। और अगर इन टोटल अगर बात करता हूँ ओरियन X2 की, तो इसके अंदर आपको मिलता है अराउंड 8 TB का जो है हाई स्पीड SSD और आपको 36 TB ऑफ स्टोरेज। तो मतलब इतना सारा सब कुछ आपको मिल रहा है इस एक PC में। तो उसकी प्राइसिंग तो काफ़ी हाई बनती है ना बॉस, क्योंकि 31 lakhs तो बनती है। आपको एक्सपीरियंस भी उतना तगड़ा देगा, कुछ लैकिंग नहीं होगा, कुछ मतलब आपको कोई भी वहाँ पे रुकावट नहीं मिलेगी, जो भी आपका एंटरटेनमेंट या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, बड़े से बड़ा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। तो कंक्लूजन की बात करता हूँ, मतलब जैसे कि हर एक वीडियो के बात करता हूँ, तो आपका क्या कहना है कि गेमिंग PC अच्छे या फिर गेमिंग मोबाइल अच्छे? तो आजकल मोबाइल में भी काफ़ी अच्छे हार्डवेयर दिए जाते हैं, काफ़ी अच्छा स्पीड मिलता है, पर वो कंट्रोल मिल नहीं पाता, वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता जो जैसे कि आपको PC पे मिलता है। क्योंकि PC पे आपको जो कीबोर्ड पे है मज़ा अलग ही आता है, या फिर जो हेडफोन लगा के जो आप फीचर्स देखते हैं या फिर ग्राफिक का एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी काफ़ी तगड़ा होता है, काफ़ी मजबूत होता है। तो आपका क्या कहना है कि गेमिंग कंप्यूटर से या फिर गेमिंग जो है मोबाइल? तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे पोल भी रख रहा हूँ, तो आप पोल में भी जाके आपका जो है पोल मेंशन कर दीजिए, गेमिंग कंप्यूटर या फिर गेमिंग मोबाइल। तो आज तक के लिए वीडियो इतना। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।